वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन 3i इन्फोटेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे, लेटेस्ट अपडेट भी आप चेक करेंगे। तो 3i इन्फोटेक लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो आज 45.80 पे ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ चुका है 3i इन्फोटेक लिमिटेड स्टॉक। यानी कि तकरीबन फ्राइडे के दिन देख सकते हो कि 2.55% की गिरावट देखने को मिली थी। तो इस स्टॉक में देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि लास्ट 1 मंथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे मूवमेंट रह चुके हैं, वोलेटिलिटी मूवमेंट रह चुके हैं। तकरीबन 40 से 52 लेवल के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूवमेंट करता हुआ नजर आ चुका है। 10 पॉइंट की लास्ट 1 मंथ में मूवमेंट देखने को मिले और लास्ट 1 ईयर की भी मूवमेंट चेक की जाए तो आप क्लियरली देख सकते हो कि कैसी मूवमेंट किया। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं 119 का हाई बना के यहाँ पे गिरावट देखने को मिले। तो रिसेंटली 50 के नीचे आ चुका है स्टॉक, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए सही है वो भी डिटेल में हम देखेंगे। जैसे कि इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पे यहाँ पे नजर डालोगे तो इंटरेस्टिंग वैल्यू इंसफिशिएंट डाटा की वजह से नहीं बताया गया, पर बैंक एफडी से तो अच्छा रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3i इन्फोटेक लिमिटेड स्टॉक डिविडेंड ऑफर नहीं कर रहा है, पर एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है और नो रेड फ्लैग्स फाउंड। यानी कि देख सकते हो कि स्टॉक नॉट इन एस एम जी एस एम लिस्ट एंड नॉट अ लॉट ऑफ प्रोमोटर होल्डिंग इज प्लेज, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक एस एम लिस्ट में नहीं है और तकरीबन प्रोमोटर होल्डिंग में ज्यादा शेयर प्लेज नहीं है। तो बेसिक के साथ यहाँ पे प्रो चीजें भी देखी जाए तो प्रो में देख सकते हो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी जो है हाई रहने वाले आने वाले 12 महीनों में, क्वालिटी चेक्स में इंसफिशिएंट डाटा है और ग्रोथ स्कोर की बात की जाए तो इंसफिशिएंट डाटा है। तो की मैट्रिक्स में देख सकते हो पी रेशियो माइनस में ही है, टोटल जो कर्जा है लोन है कंपनी के ऊपर 138 करोड़ का है और नेट इनकम देखी जाए इस साल की तो 57 करोड़ का लॉस होता हुआ नजर आ चुका है इस साल में एक कंपनी को। और स्मॉल कैप का स्टॉक है, रिस्क देखी जाए स्टॉक की तो हाई रिस्क में करंटली स्टॉक है, बहुत ही हाई रिस्क में करंटली स्टॉक है। टोटल जो रेवेन्यू है 690 करोड़ का है, टोटल एसेट्स है 1485 करोड़ के। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो पिछले साल से यहाँ पे इस साल में देखा जाए तो यहाँ पे रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिले और रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिले, यानी कि कंपनी को इस साल लॉस होता हुआ नजर आ चुका है। यहाँ देखा जाए यहाँ पे रिसेंट न्यूज़ की बात की जाए तो करंटली कोई न्यूज़ नहीं यहाँ पे 3i इन्फोटेक लिमिटेड स्टॉक के लिए। तो लेटेस्ट अपडेट 3i इन्फोटेक लिमिटेड स्टॉक के लिए।